जिंदाबाद जिंदाबाद जगतक सार मोर्चा जिंदाबाद 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 हक सर जन साहब की लड़ाई लड़ने वाले लोगों का एक जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। संयुक्त मोर्चे वालों जो ऐलान किया गया वा जिहड़ा कि सेंटर सरकार ते पंजाब सरकार ने ऐलान किया सी 1 अक्तूबर नूं झोने की सरकारी खरीद जिहड़ी चालू की जाऊगी, पर जो कल पैर ते चिट्ठियां आ गईयां एमरजेंसी इन्हां ने कहता भी 11 तरीक तो पहलों झोने की खरीद जिहड़ी चालू नहीं करनी क्योंकि किसानां ने 75% झोना वढ़ा के मंडी दे विच लिआंदा जी, उत्तों बारिश पै रही आ, इह कह रहे आ जी नवीं जिहड़ी आ उह 22 आ रही आ, पर असीं इन्हां नूं दसणा चाहुंदे आ वी 12% तों 13% तों वध नवीं नहीं आ रही। सरकार जिहड़ी आ सेंटर सरकार किसानां दे उत्ते धक्का कर रही आ क्योंकि वह दिल्ली बार्डर के बैठिया कारण किसानों तो बदला लई भावनू जो शुरू किया सरकार ने, असी ये गल मन तैयार नहीं जो कि पंजाब की सरकार है इन्हें भी कोई मंडिया के पुख्ता प्रबंध नहीं किया, ना तो कोई बारदाने का प्रबंध आ, ना ही कोई अफसरशाही का प्रबंध आ, ना कोई इंस्पैक्टर लाया गया क्योंकि 15 दिन तो इन्हों की अपनी काटो कलेश पई हुई आ, कभी मुख्यमंत्री बलता कभी प्रधान बलता, उदा करके किसान जरा पीसया जा रहा, किसान जरा मर रहा वा। साड़ी मंग आ झोने की खरीद जी तुरंत चालू की जाए, जे सरकार झोने की खरीद तुरंत नहीं चालू करती असी इस तरह ही MP MLA ते कांग्रेस के प्रधानों के बूहों के गाड़ी पक्के मोर्चे ला के बवेंगे जी। असी अज एक संकेतक रूप के आए हाँ जी, कल तो जरा पक्का मोर्चा जरा वड्डी गिनती दे सारे MLA के बूहों के गाड़ी लग जूगा। हाँ जी, अज असी धरना यह लाया कि पहलों इन्होंने 1 तरीक की सरकारी बोली का कहा कि अपने किसानों कि ताडा जिहड़ा सरकारी रेट ते झोना वा 1 तरीक नूं चुकिया जाऊगा, जो कि इन्होंने केंद्र की सरकार ने मुड़ के इन्हां ते दबाव पा के हुण आपां नूं 10-11 तरीक करती आ। जे अपना झोना 10-11 तरीक तक लेट हुंदा वा ते झोना जी पक्का आया वा ते पैलियां दे विच रुलूगा जी, इस करके असीं कल ADC साहब नूं मंग पत्र भी दित्ता सी कि जिहड़ी साडी सरकारी बोली आ छेती तों छेती लागू की जाए, पर अज जिहड़ी परचेज हैगी झोने की शुरू हो जाती है और जिहड़े साडे बार्डर डिस्ट्रिक्ट हैगे ने अमृतसर तरन तारण फिरोजपुर इन्हां दी जिहड़ी हैगी है फसल पहलों पक जाती पंजाब के कई हिस्सों नालों, ये मंडी पहलों आ जाती है। किसान बड़े लंबे समय तो एक यही फसल हैगी झोने की जिहदे नाल कि किसान नूं पैसे बचते ने, जिहड़ी कणक वाली फसल हुंदी है कुछ खाण लई रख ली ते कुछ विआहां शादी ते लग जाती है, वो चो कोई पैसा नहीं बचता अपना घर का ही खर्च पूरा था, इस चो 4 पैसे खर्च करके बचा के किसान ने जिहड़े अपना घर परिवार पालता हुंदा, तो उहदे नाल जिहड़ी अज खरीद नहीं शुरू हुंदी इहदा बहुत नुकसान आ। सवेरे काफ़ी बारिश हो चली सी, चलो अपने कुछ टल गई कई थावां ते होई होगी, ये नाल भी झाड़ का फर्क पैंदा वा, जे वह 10 दिन जिहड़ी लेट हुई तो किसान का बड़ा नुकसान आ। इहदे संबंध में ही मैं तुहानूं इत्थे फोटो भी दिखाना वा, कल ही जिहड़े मैं अपने जिहड़े फूड एंड सिविल सप्लाई मंत्री न्याशु जी उन्होंने नाल मिल के आया, उन्होंने मैं उन्होंने कल की फोटो तुसी सारे पढ़े लिखे जे ये भी कोई पुरानी फोटो हैगी है, कल मिल के उन्हें यो बेनती की भी छेती छेती आप जो मसला सुलझाइए, वो कहते सी मैं जो पीयूष गोयल है खेतीबाड़ी मंत्री ने अपनी हिंदुस्तान सरकार दे उन्होंने को टाइम लिया वा, शायद मैं 1-2 दिन टाइम मिल के तो मैं करवाना वा। अज जी सारे किसान भरावों के नाल हाँ, असी भी सरकार को मिल के अजक छुट्टी है सोमवार चंडीगढ़ जाके कहोंगे भी जे मोदी जी जी परचेज शुरू नहीं करता जो पंजाब दी एजेंसियां ने 5 सब 5 ग्रेन जिन्नी क हिसाब के कर दियां ने उन्हां कोलों जिहड़ियां ने आपां एजेंसियां की परचेज शुरू की जाए ता जो कि जिहड़े किसान भी खराब ना होण। तो मैं किसान भरावां नूं तुहाडे जरिए बेनती करूँगा भी वह फसल अजे कट्टण जिहड़ी बिल्कुल ही पक्की हैगी आ, जे 2-4 दिन आप डिले कर सकते जी फसल वो आप ना लीए तो अपना काफ़ी नुकसान होगा। साड़ी जी सहानुभूति किसान भरावान नाल आ, मैं भी एक छोटा किसान हूँ इन्हें दे नाल वा, जिथे भी जाएंगे इन्हें लड़ाई इसी।